और बंसी प्रसाद मेहता नाम है, जिला हजारीबाग झारखंड का। वो आए इधर काम करने के लिए मिस्त्री का। लॉकडाउन चलते से काम नहीं मिल रहा है, खाने पीने का पैसे व्यवस्था नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग गाँव जाना चाह रहे हो। दापोली मध्ये सिव्हिल हॉस्पिटल बाहेर तपासणीसाठी परप्रांतीयांची गर्दी झाली होती। लॉकडाऊन मुळे हाताला काम नाही, जो पैसा हातात होता तो देखील या लॉकडाऊनच्या काळात संपलेला आहे, अशी अवस्था अनेकांची झाली आहे। आपल्या गावी जाण्यापूर्वी त्यांना तपासणी करणे बंधनकारक आहे, त्याशिवाय ते प्रवास करू शकत नाहीत, अशी अट प्रशासनाने घातली आहे। त्यामुळेच आज सकाळपासून उपजिल्हा रुग्णालयात गर्दी झाली होती। या लोकांची योग्य ती तपासणी केल्यानंतर त्यांना प्रशासनामार्फत तसं लेखी दिलं जाईल आणि त्यानंतरच त्यांना प्रवासाची मुभा मिळेल। या प्रवासादरम्यान कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून प्रशासनामार्फत ही खबरदारी घेतली जाते। मेरा नाम सुभान अली है और मैं यहाँ से अपने गाँव से आया था। मेरे को आके इधर 4 महीने हो गए और अभी लॉकडाउन के वजह से हमारा काम सब बंद है और हमारे रहने में खाने पीने में बहुत तकलीफ़ी हो रही है। हम सरकार से यही योजना चाहते हैं कि वो हमें कैसे भी करके हमारे घर पहुंचा दिया जाए। हम लोग अभी लॉकडाउन होने के बाद 40 दिन से बैठा हूं, कोई सुविधा नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग अभी गांव जाना चाहता हूं और अभी इधर काम भी बंद है, बिल्डिंग लाइन का काम करता हूं। लॉकडाऊनच्या या काळात सगळ्यात जास्त हाल या मजुरांचे झालेत। आधीच रोजगाराचे हाल आणि त्याच्यात लॉकडाऊन, होता पैसा तोही संपला, काही लोकांना तर आता गावी जायचं कसं असा प्रश्न देखील पडला आहे। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद मेहता है, मैं हजारीबाग से आया हूँ इधर महाराष्ट्र काम करने के लिए, मजदूरी करता हूँ। और अभी कल का दिन हमारा पिताजी एक्सपायर कर गए हैं और बहन भी एक्सपायर कर गए हैं। अभी मैं इधर फंसा हूँ, मेरी बहन उधर हॉस्पिटल में है, उसका डॉक्टर है ना, वो अभी छुट्टी नहीं दे रहा है, उसका बोल रहा है उसका गार्जियन को बुलाओ, उधर केस हो गया है, उसको गार्जियन को बोल रहा है उधर बुलाओ, और मैं इधर फंसा हूँ। अभी कैसा क्या होगा, ये सरकार से मेरा गुजारिश है कि मेरी जल्द से जल्द मेरा व्यवस्था किया जाए और घर गाँव भेजा जाए। प्रत्येक मजुराची ही अशी दुःखद कहाणी आहे। वडील आणि बहीण मृत्युमुखी पडल्यानंतर देखील जाता येत नाही, यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती काय। प्रशासनानं आता तातडीनं यांना गावी पोहोचवण्याची व्यवस्था करणं आवश्यक आहे। फैसल काझीसह शमशाद खान, माय कोकण, दापोली। माय कोकण सबस्क्राइब करण्यासाठी लाल बटनवर क्लिक करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकनवर क्लिक करून सर्व अपडेट्स आपल्या मोबाईलवर मिळवा।